ये सब प्रेयर करते हैं और कितनी दूर दूर से आते हैं। और ये भाई को देखिए, ये भाई की एक ही टांग है। जब इनका कोई मरता है तो देखिए यहाँ जितने भी बड़े बड़े पहाड़ देख रहे हो उसके ऊपर लेके जाते हैं, और एक आदमी है जिसको ये लोग बोलते हैं बहुत पावरफुल आदमी रहता है, उसको बस को सब पीस पीस करता है और उसको फिर यहाँ के जो वल्चर होते हैं और स्कैवेंजर होते हैं उन लोगों को खिला देता है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई दलाई लामा कोई आदमी का नाम है, दलाई लामा कोई आदमी का नाम नहीं, ये एक टाइटल होता है तिब्बतियन जो स्पिरिचुअल फॉरमोस्ट लीडर होते हैं उनको ये टाइटल दिया जाता है। और आप में से बहुत सारे लोग ये जरूर देख रहेंगे, ये जगह का नाम है पटोला पैलेस। और देखिए बस में आप लोगों को ना ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर देखने मिलेंगे। आपको कभी मॉन्ग या झगड़ा करते हुए दिखे ना, बहस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, ये नहीं समझना कि वो झगड़ा कर रहे हैं, वो अपने रिलीजन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो देख रहे हो ना आप, देखिए 4000 मीटर के ऊपर है जमीन से, तो ऑक्सीजन लेवल और कम हो रहा है और थोड़ा सा भाई सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। अभी मेरा ये 8 से 9 दिन का टूर था, लेकिन मैं उनको मैसेज करके बोला हूँ कि भाई मैं कंटिन्यू भी नहीं कर पाऊंगा। हेलो एवरीवन, तो स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक नए वीडियो में। तो यार आज है हमारा तिब्बत में ल्हासा में दूसरा दिन और मैं टूर के साथ निकल गया हूँ। भाई आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाई बहुत सारी मोनेस्ट्री दिखाएंगे, बहुत ही यूनिक यूनिक कल्चर, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग बातें बताना है। देखिए ये बस से हम आए हैं और हमारे ग्रुप में भाई तकरीबन 10 से 12 लोग हैं। और ये देखिए भाई, ये है द्रिपुंग मोनेस्ट्री, इसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताना है, बहुत सारी चीज़ें दिखाना है। और देखिए सारे टूर के हमारे लोग, तो यार बहुत मज़ा आने वाली है, ये हमारा पहला दिन है टूर गाइड के साथ। तो यार देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। अब तक तो आप लोगों को सारे वीडियो जो मैं दिखाया हूँ कहीं के भी वो बिना टूर गाइड के दिखाया था, देखते हैं अब कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो हमारे गाइड भाई ने थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया, अगर वॉशरूम वगैरह यूज़ करना तो यहाँ से यूज़ कर लो ताकि आप लोगों को ऊपर जाके प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ का नज़ारा देखिए भाई, बहुत ही सही लग रहा है यार। और ये हमारा टूर ग्रुप भाई, देखिए हमारा टूर वहाँ से स्टार्ट हुआ था, बस वाला हमको वहाँ पे छोड़ा। और यहाँ पर देख सकते हो भाई, सबसे पहले आप लोगों को देखने मिलेगा यहाँ पर एक बड़ा सा घड़ा जैसे बनाए, और इसमें ये कुछ डालते हैं खुशबू के लिए। आप लोगों को ना तिब्बत में हर जगह देखने मिलेगा, होटल में लोग अपने घर वगैरह के पास भी जलाते हैं ताकि बहुत अच्छी खुशबू आए। तो इससे क्या है ना भाई, पूरा जो एरिया है आसपास का एकदम खुशबू खुशबू हो जाता है। और ये बेचने के लिए भी यहाँ रखे हैं, अगर ये तो ले सकते हैं। तो देखिए आप लोगों को ना बुद्धिस्ट टेंपल में ना ये चीज हर जगह देखने मिलेगी। ये व्हील जो देख रहे हो कहीं बड़ी होती है कहीं छोटी होती है, इसको स्पिन इसलिए करते हैं जैसे कुछ प्रेयर का हिस्सा होता है। देखिए कुछ पढ़ते पढ़ते इसको स्पिन कर रहे हैं, कुछ अच्छा सोचना है, कुछ प्रे करना है और इसको स्पिन करना है, तो ऐसा कुछ सीन है। और देखिए यार बहुत ही ज्यादा मस्त मोनेस्ट्री, इसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताता हूँ। देखिए यहाँ पर भी स्पिन व्हील लगी हुई है। ये मोनेस्ट्री को आगे दिखाने से पहले ये थोड़ा मोनेस्ट्री के बारे में बता दूं, ये मोनेस्ट्री का नाम है द्रिपुंग मोनेस्ट्री और ये भाई बिगेस्ट मोनेस्ट्री है येलो हेड बुद्धिज्म की। बुद्धिज्म के ना भाई 4 स्कूल ऑफ थॉट होते हैं, एक येलो हेड होता है, एक रेड होता है, तो ऐसे 4 स्कूल ऑफ थॉट होते हैं। उसमें से जो येलो हैट वाले हैं ना, उसकी सबसे बड़ी मोनेस्ट्री ये वाली है। उसको बनाया गया था तकरीबन आज से 600 साल पहले 1416 में, और यहाँ पर एक टाइम में 10,000 मॉन्ग रहा करते थे। अभी तकरीबन 90 साल पहले तक भी 7,700 मॉन्ग रहते थे, अभी सिर्फ 800 रहते हैं। भाई ऐसा देख के लग रहा है कि छोटी है, लेकिन भाई वो वहां से स्टार्ट हुई और पूरा ऊपर तक कहां तक गई है, तो मैं सारी आप लोगों को दिखाने वाला हूं, सारा वो दिखाने वाला हूं। और साथ ही साथ ये जो मोनेस्ट्री है ये पहले दलाई लामा से लेकर चौथे दलाई लामा तक ये रेसिडेंट हुआ करता था। उसके बाद जो पांचवें दलाई लामा, छठे दलाई लामा, उनका जो घर है वो पटोला पैलेस में, वो आप लोगों को पटोला पैलेस बाद में दिखाऊंगा। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई दलाई लामा कोई आदमी का नाम है, दलाई लामा कोई आदमी का नाम नहीं, ये एक टाइटल होता है तिब्बतियन जो स्पिरिचुअल फॉरमोस्ट लीडर होते हैं उनको ये टाइटल दिया जाता है, तो ये कोई आदमी का नाम नहीं होता। और ये जो येलो वाला रूम देख रहे हो ना, यहाँ पर एक बड़ा सा स्पिनिंग व्हील लगी हुई है जो आप लोगों को मैं नीचे दिखाया था, लेकिन ये स्पिनिंग व्हील को कोई आदमी नहीं घुमाता है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखाता हूँ, देखो आपको दिख रही होगी, ये स्पिनिंग व्हील को कोई आदमी नहीं घुमाता है। जब बारिश होती है, जब बहुत पानी आता है, तो पानी से ऑटोमेटिक घूमती है क्योंकि बहुत ज्यादा साइज में बड़ी हुई है। गाइड, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? पेनपा। What is the meaning of your name? Penpa means Saturday because I was born on Saturday. So a lot of people they name by the day they yes, born. Yes, yes. In Tibetan we have two very common ways of giving name for a child. Okay. The first, when the child is born, the parents they check the day. Okay. Then so if I born in name. Born on Monday? Dawa. Dawa. Hmm. My name will be Dawa. Yes, yes. And then Tuesday? Migmar. Migmar. You are born and in Saturday, so Penpa. 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 Then later, our parents, they also visit lamas. Okay. Then the lamas, they give another name. So first name is the day you are born, and second name, the lama gives you. Yes, yes. Achha, achha. So ye hai hamare tour guide, aur inhone bataya ki yahan par logon ke do naam hote, do tarike se naam hote. Ek to bhai jis din wo paida hote, jaise Monday ko paida hue to Monday, ye paida hue hain Saturday ko. इनका नाम है पेनपा। तो यहाँ पर हालत ख़राब हो गई भाई, कितनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है भाई, और हम ऑलरेडी ज़मीन से भाई 4 किलोमीटर के ऊपर हैं, 4000 मीटर के ऊपर है ज़मीन से, और उसके बाद और ऊपर जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन लेवल और कम हो रहा है और थोड़ा सा भाई सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, बस थोड़ा सा ना भाई पहाड़ चढ़ के ना थोड़ी सी हालत ख़राब हो रही है, सारे लोग की हालत ख़राब हो गई है।
तो अब चलते हैं, देखिए हमारे गाइड तो ऊपर जा रहे हैं, चलते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से थोड़ी झलक देख सकते हो, ये द्रिपुंग मोनेस्ट्री की बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई। ऐसा लग रहा था ना जब मैं आपको बताया 10,000 मोंग यहाँ पर रहते थे तो आपको लगा कि ये छोटे रूम में कहाँ रहते होंगे। देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी है और ख़त्म नहीं हुई, इसके पीछे भी है और यहाँ ऊपर भी है। तो चलिए बोलते ऊपर चलेंगे तो अच्छा सिटी का व्यू मिलेगा, थकान होगी लेकिन मज़ा आएगी, बहुत सारी चीज़ें बताना है यार, बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक जगह और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है तिब्बतियन बुद्धिज्म की। तो चलिए चलते हैं ऊपर। तो अभी मैं आप लोगों को मिलाता हूँ हमारे टूर के एक और मेंबर, हिज सॉन्ग फ्रॉम कनाडा। ओह, इज अ कोरियन। हिज कोरियन बट ही स्टेज इन कनाडा एंड हैव कैनेडियन पासपोर्ट। सो ही इज गोइंग टू इंडिया। व्हेन आर यू गोइंग टू इंडिया? इन वन वीक। Yeah. So which place you have? Oh no, but I'm staying there like for 3 weeks. Okay. I want to visit so many places. And after that, he's going to Pakistan. I will be safe. Don't worry, yeah, guys. Yeah. So India and Pakistan, they share the history. Yeah, I'm expecting same Punjabi food. Yeah. Do you like Indian food? Yeah. What do you like in Indian food? Gobi 69. Gobi 69. And dosa? Yeah, dosa is from South India. Yeah. But I love dosa for breakfast. Dosa is nice. Because you can't have something heavy for breakfast. Yeah. अब हम आ गए हैं और ऊपर वाली जगह पे और यहाँ से देखिए भाई व्यू कितना खतरनाक लग रहा है और ऊपर वो आते आते भाई हालत ज्यादा खराब हो गई है। यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ पर एक अलग सी सेरेमनी जैसा कुछ चल रहा है। यहाँ पर देखिए ये कुछ ब्रदर, व्हाट इज दिस? During summer, this valley, lots of fear wheels like this. Which are rotated by the force of water which comes from the mountain. Okay. And people come here and pray. And also during summer, many families go inside the valley and make picnic. And the guy just now, he drink a little bit of water and some he also put on his hat, yeah? Mm. Because inside spring water, which people consider it like a holy water. So Tibetan people always drink little bit and put on the hat for blessing. यार जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना, यहाँ पर ये जो आपने बूढ़े आदमी को देखा वो पानी वहाँ से पी रहे थे और सर पे डाल रहे थे, जो स्प्रिंग वाटर होता है यूजुअली वो काफी साफ होता है पीने के लिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर बह रहा है, यहाँ के लोग बस स्पिरिचुअल पानी मानते हैं उसको, इसलिए यहाँ पीते भी हैं और सर पे भी लगाते हैं। और ठंडी का हिसाब यहाँ से लगा सकते हैं, यहाँ देख सकते हो सारी कुछ बर्फ जमी है यहाँ पर छोटी सी स्प्रिंग में, देखिए पूरा बर्फ जमा हुआ है यहाँ पर। जो मेन बीच का पानी है वो खाली बह रहा है और साइड का पानी देख सकते हो पूरा बर्फ हो गया है, देखिए। और यहाँ पर भी है स्पिनिंग व्हील और यहाँ पर हमारे जो टूर वाले लोग हैं सारे लोग पानी पी रहे हैं। और ये जो सारी स्पिनिंग व्हील देख रहे हो, जैसे कि हमारे गाइड ने बताया, जब बारिश होती है तो ऑटोमेटिक खुद से घूमती है, देखिए ऐसे, देखिए पानी आता है और ये ऑटोमेटिक ये अपने आप घूमते रहती है। तो यार देखिए अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सारा कुछ, ये देख रहे हो ये है मॉन्क्स के घर, यहाँ पर मॉन्क्स रहा करते थे। अच्छा तो अभी इन्होंने बताया कि दरवाज़ा छोटा रखते हैं भाई ताकि ठंडी वगैरह ज़्यादा ना जाए और जितना छोटा दरवाज़ा धूल वगैरह उतनी कम देखने मिलेगी। और यार कलरफुल देखिए कितनी ज़्यादा है यार, और ये ऐसा नहीं कि अभी 400-500 साल पहले भी ना ऐसी सेम कलर की हुआ करती थी और सेम कलर और सेम आर्किटेक्चर जो देख रहे हो अभी, ये ऐसे ही यूज़ होता था भाई तकरीबन 600-500 साल पहले भी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और देखिए यहाँ पर ये सारे जो क्वार्टर्स देख रहे हैं यहाँ पर सारे मॉन्क्स रहते हैं, अभी तो इतने नहीं है। जैसे कि आपको पता है एक टाइम पे 10,000 रहा करते थे, फिर उसके बाद 100 साल तक भाई 7,700 बचे, अभी यहाँ पर सिर्फ 800 रहते हैं, उसमें से भी कुछ मॉन्क जो गए हैं जोफांग टेम्पल, जैसे कि आप लोग स्टार्टिंग में बताया था उनका फेस्टिवल वगैरह रहता था। और ये देखिए ये कुछ मेन डोर जैसा लग रहा है। और यार अगर यहाँ की साफ सफाई के बारे में बात करें ना, यहाँ पर भी आप देख सकते हो साफ सफाई कितनी ज्यादा मस्त है, आप लोगों को छोटा सा एक कचरे का टुकड़ा नहीं देखने मिलेगा, सारे नजारे देखिए यार, थोड़ा थोड़ा सेंटोरिनी ग्रीस जैसा लग रहा है, वाइट सारी चीजें और काफी काफी खूबसूरत और वेदर काफी ज्यादा अच्छा, ठंडा प्रॉपर धूप निकली हुई है। ये कुछ बता रहे हैं all these studies, then they get a degree which is equal to doctor's degree. जैसा कि आप लोगों ने सुना, अगर आपको मॉन्क बनना है तो बचपन से यहाँ आ सकते हैं, बचपन से यहाँ आते हैं और ऐसा जैसे मॉन्क पहनते लाल कपड़ा, ये वैसे लाल कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन भाई आपको पक्का मॉन्क तब तक नहीं बोलेंगे जब तक आप 18 साल के हो जाओगे। जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो आपको एक बार कन्फर्म करते हैं कि आपको मॉन्क सही में बनना है, तो अगर वो हाँ बोलते हैं तो उनको बस और उनको सेरेमनी वगैरह करना पड़ता है मॉन्क बनने के लिए। और अगर एक आदमी जिंदगी में एक बार मॉन्क बन गया वो दोबारा कॉमन आदमी नहीं बन सकता, जब तक उसके पास एक अच्छा रीज़न नहीं है, दूसरों की मदद के लिए ऐसा कोई रीज़न नहीं है, तब तक वो नॉर्मल आदमी नहीं बन सकता। के पास अगर एक वैलिड रीज़न है, जैसे कि आपके माँ बाप बूढ़े हैं उनकी देखभाल करने के लिए वापस तुमको घर जाना पड़ेगा, वहाँ रहना पड़ेगा, उनकी देखभाल करना पड़ेगा, तो एक वो ठीक है। तो वैसे आप नॉर्मल ऐसा मॉन्क अपनी ड्यूटी छोड़ नहीं सकते हैं, आपको मॉन्क ही रहना पड़ेगा। On the second floor, many rooms. There's one room which we call it Chamba Thongdul. There's a statue of a Buddha. We believe that if you see the statue of that face,
यू डोंट गो टू हेल वन टाइम। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये प्रेयर कैसे करते हैं। ये देखिए आप लोगों को ना जगह जगह पे ऐसा ये फॉर्म दिखने मिलेगा, यहाँ घुटना रखते हैं और ऐसा पूरा लेट के प्रेयर करते हैं। तो यार पिछले एक घंटे से हमारे गाइड भाई अंदर पूरा मेन मोनेस्ट्री दिखाए, सारा किचन दिखाए, वहाँ सारे कुछ रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी इसलिए आप लोगों को दिखा नहीं पाया, लेकिन यार सारी डिटेल दिए बुद्धिज्म के बारे में, बेस बताए और सारे लामा जो थे, एक लामा, दो लामा, तीन लामा, तो सारी डिटेल उनके बारे में दिए, बहुत सारी चीज़ दिखाए। और देखिए ऐसी कुछ ये मोनेस्ट्री है, ये मेन पार्ट है और यहाँ का सारा नज़ारा देखिए भाई। टेम्पल ज़्यादा है ना आप लोगों को पहाड़ वगैरह में ज़्यादा देखने मिलेगी, ये देखिए, और काफ़ी ज़्यादा पुरानी है भाई। अंदर जो स्टैचू वगैरह रखे हुए हैं ना भाई, 15th century, 14th century के रखे हुए हैं। ये देखिए ये सबसे मेन जगह थी और यहाँ पर चल रहा है उनका प्रेयर। मैं उनकी उसकी थोड़ी वीडियो बनाया हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए अभी जो मैं आप लोगों को प्रेयर दिखाया वो इस वाली मोनेस्ट्री में थी, वो थोड़ा सा अलाउड नहीं लेकिन लोग वहाँ वीडियो बना रहे थे तो मैं बना लिया। तो थोड़ा सा वो प्रेयर के बारे में बता दूं आप लोगों को, वो हरदम नहीं होती, अभी दोपहर के टाइम पे नहीं होती है, वो सिर्फ मॉर्निंग में एक बार होती है और उस टाइम पे टूरिस्ट अलाउड नहीं होते, बहुत सीक्रेट में वाला प्रेयर करते हैं। बट आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यार ये जो लोग हैं ये बुद्धिस्ट लोग हैं ये लूनर कैलेंडर फॉलो करते हैं, तो आज फुल मून डे है तो इसलिए वो स्पेशल प्रेयर चल रही है इस टाइम पे, तो हमको ऐसा देखने नहीं मिलता। और देखिए भाई ये है मेन दरपुंग मोनेस्ट्री का सबसे मेन बिल्डिंग और आसपास का सारा नजारा आप देख सकते हो, जो कि काफी ज्यादा लग रहा है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को ऐसे देखिए तिब्बत में ना हर जगह फ्लैग देखने मिलेंगे, वो फ्लैग के बारे में भी आप लोगों को बताता हूँ डिटेल में। अभी हमारे गाइड कुछ बता रहे हैं, फोटो वगैरह ले रहे हैं। तो एक इसमें अंदर घुसोगे ना तो भाई अंदर बहुत ज्यादा बड़ा एरिया रहता है, फिर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भाई पूरा बड़ा सेक्शन गया है ऊपर तक। और ये देखिए सारे कुछ मॉन्क के रहने के घर, हर जगह आप लोगों को मॉन्क के रहने के लिए घर दिखेंगे। और यहाँ का नजारा काफी ठीक ठाक है, कलर वगैरह जो करके रखे ना उससे काफी सही लग रहा है। अभी इसके बाद हम एक और मॉन्स्टर जाएंगे, वहां पर आप लोगों को एक बहुत ही ज्यादा यूनिक चीज दिखाने वाले, तो चलते हैं अभी थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं और चीज, फिर उसके बाद हम निकलेंगे। पर ये जो आप सारी लेडीज देख रहे हो खाना वगैरह लेके आ रहा है, ये ल्हासा से नहीं है, ये तिब्बत के कोई दूसरे रीजन से ट्रेवल कर रहे हैं भाई, यहाँ पर सिर्फ आते हैं ये भाई पूजा वगैरह करने, मंदिर वगैरह विजिट करने, ये लोग तिब्बत के कोई दूसरे पार्ट से आते हैं, कोई कोई 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर से आते हैं। ये देखिए भाई तेल, खाना, फ्रूट, सारी चीजें साथ में लेके आए, इतना इंपॉर्टेंट है भाई लोग के लिए यहाँ पर आना। ये देखिए हजारों किलोमीटर 500, 600, 400 किलोमीटर दूर दूर से आते हैं ये लोग। अगर आप लोगों को ये द्रेपोंग मोनेस्ट्री का तो सारा ऊपर का पार्ट और प्रेयर कैसे करते हैं यहाँ पर, कितना पुराना है, थोड़ी ये सारी चीजों के बारे में तो बता दिया। अब उतरते हैं वापिस नीचे और चलते हैं भाई दूसरी मोनेस्ट्री को, उसके बीच में कुछ लंच वगैरह होगा या फिर जो भी प्रोग्राम होगा सारी चीज आपको बताता हूँ। तो अब नीचे उतरते हैं भाई, ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम है भाई, नीचे उतरना तो इजी एकदम, मजा आएगी नीचे उतरने। और देखिए बहुत सारी जो बिल्डिंग है ना भाई वो अबैंडन हो गई, वो खंडहर हो गई है, क्योंकि भाई पहले 10,000 लोग रहते थे, अभी सिर्फ मुश्किल से 800 से 900 लोग रहते हैं। तो यार ये जगह बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है 800 लोगों के लिए, 10,000 लोग और कहां 800 लोग। ये हमारे टूर वाले लोग यहां पर घुसे हैं तो देखते हैं यहां पर क्या है। भाई बहुत खूबसूरत खूबसूरत से ऐसे छोटे छोटे पैसेज बने हैं ना यार, बहुत सही लगते हैं। देखिए सारे दरवाजे ना छोटे छोटे रहते हैं। देखिए यार ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना आप, यहाँ पर कुछ फेस्टिवल वगैरह होता है तो प्रेयर करने के लिए एक स्पेशल रूम बना के रखे हैं। तो यार अगर ऐसी आप लोगों को डिटेल में चीजें दिखाने लगा ना तो भाई वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा भी बन जाएगा और बहुत सारे लोगों को ये चीजों के बारे में जानना नहीं है, अगर जिनको जानना है ना भाई उनके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा और बहुत ही ज्यादा अलग रहेगा। और देखिए कुछ उनके घर वगैरह के आसपास के एरिया, लकड़ी वगैरह रखते हैं यहाँ पर, तो क्योंकि भाई ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, -20, -25 भी जाता है ठंडी में। लोगों ने देखा हम मोनेस्ट्री वगैरह पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करके अब नीचे उतर गए। अब है ये हमारा लंच टाइम और आप लोग यहाँ देख सकते हो भाई लोकल तिब्बतियन रेस्टोरेंट वगैरह ऐसे होते हैं, ऐसे खुले में बैठ के लोग खाते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग बैठे हुए हैं। और चलते हैं मैं आप लोगों को यहाँ का लोकल रेस्टोरेंट भी दिखाता हूँ। देखिए अंदर यहाँ पर है और भाई मेरे गाइड ने बताया यहाँ पर वेजिटेरियन खाना मिल जाएगा 15 युआन में, आप सेलेक्ट कर सकते हो चावल, टोफू और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, भाजी वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए रेस्टोरेंट तो ऐसा है कुछ, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रेस्टोरेंट दिखा दूँ। देखिए ऐसा कुछ रेस्टोरेंट है, यहाँ पेमेंट करके आप सेलेक्ट कर सकते हो क्या चाहिए आपको। ये मिला है मुझे 15 युआन का, यहाँ पर सारी वेजिटेरियन आप लोगों को डिश देखने मिलेगी, 3 तरह की भाजी है और राइस है। और ये रहा, दिस इज बटर मिल्क राइट, बटर में स्वीट टी, हाँ अच्छा। तो देखिए भाई ये दूध वाली चाय जो इंडिया में मिलती है, बटर टी हम बाद में ट्राई करेंगे, यहाँ की जो याक के बटर की बनती है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। और देखिए भाई हमारा खाना भी है और चाय भी हम खाते हैं। और देखिए ऐसा कुछ होता है रेस्टोरेंट, तिब्बतियन लोकल रेस्टोरेंट, और सारी टीम पीछे बैठी हुई है, मुझे जगह नहीं मिली तो मैं इधर आ गया। तो अगर खाने की बात करें ना यार, तो खाना वाकई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इतना अच्छा वेजिटेरियन फूड शायद ही भाई चाइना में मैं खाया रहूँगा। एक रेस्टोरेंट की स्पेशल बात यह है कि जो रेस्टोरेंट है ये मॉन्क लोग चलाते हैं और खाना वगैरह जो रहता है वो सारे कुछ मॉन्क बनाते हैं और जिसका प्रॉफिट रहता है वो मॉन्क रखते हैं। तो ये जो रेस्टोरेंट देख रहे हो है तो लोकल लेकिन ये मॉन्क रन करते हैं। तो यार खाना खाते मैं बस ये तिब्बत के लोगों को देख रहा था, कितने ज़्यादा अलग दिखते हैं यार चाइनीज़ लोगों से। देखिए इनका कपड़ा वगैरह आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होता है। देखिए टोपी का स्टाइल, कपड़े का स्टाइल, ये देखिए ये जो ये देखिए कैप कैसा लगाए हैं,
क्योंकि भाई ठंडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो सब ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, और चाइनीज़ लोगों को आप लोगों को दाढ़ी देखने नहीं मिलेगी, लेकिन देखिए तिब्बत के लोगों को ना दाढ़ी आती है भाई, ये देखिए है ना। देखो चाय पिला रहे हैं अंकल, और भाई ये बच्ची को देखो कितनी ज़्यादा प्यारी है, ताशी दिले देखो कितनी ज़्यादा प्यारी है। इसे कुछ देता हूँ मैं, कुछ रखा है क्या मेरे पास? ओह ठीक 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 यार, द्रुपंग मोनेस्ट्री का हमारा टूर खत्म होता है। आप लोगों को काफ़ी अच्छे से दिखा दिया, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बता दिया, वहाँ से खाना खा के निकले हैं। अब चलते हैं, देखिए ये है हमारी बस, अब चलते हैं यहाँ से सेरा मोनेस्ट्री, वहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल और अलग चीज़ देखने मिलेगी, तो चलिए निकलते हैं। तो आ गए हम आज की दूसरी हमारी मोनेस्ट्री जिसका नाम है सेरा मोनेस्ट्री, और उससे पहले आप यहाँ देख सकते हो सारी कुछ मार्केट वगैरह लगी हुई है, नॉर्मल यहाँ के जो सामान है सुवेनियर वगैरह आप लोगों को यहाँ मिल रहे हैं। तो सेरा मोनेस्ट्री भाई ऊपर की तरफ है, आगे की तरफ है, तो चलते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ। यार अगर सेरा मोनेस्ट्री का भी अगर आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो काफी कुछ सिमिलर सा है आप लोगों को, जैसा मैं द्रुपंग मोनेस्ट्री में दिखाया था बिल्कुल सिमिलर सा है। अभी हम यहाँ पर गए थे अंदर, ये है भाई यहाँ की सेरा मोनेस्ट्री की लाइब्रेरी, और यहाँ पर ना भाई जो बुक बनती है ना वो बहुत हाई क्वालिटी की बनती है, और यहाँ के पेपर में ऐसा कुछ केमिकल ऐसा कुछ रहता है कि भाई जो कीड़े मकोड़े हैं वो सब मर जाते हैं, उससे अपने आप ऑटोमेटिकली मर जाते हैं। तो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी के आप लोगों को पेपर और बुक्स बनते हुए दिखेंगे, लेकिन अंदर अलाउड नहीं है। यू बॉट दिस। और देखिए भाई यहाँ पर एक छोटी सी दुकान है जहाँ पे आप लोगों को ये चीज देखने मिलेगी, देखिए भाई याक का बटर, यार ये कैसा टेस्ट रहता है अभी तक तो हम टेस्ट नहीं किए, लेकिन टेस्ट जरूर करेंगे, लेकिन दिख तो काफी ज्यादा अच्छा रहा है भाई। हमको तो गाय का बटर खाया अभी तक, लेकिन याक का अभी तक ट्राई नहीं किए, तो जरूर ट्राई करेंगे। और भी यहाँ पर देख सकते हो कुछ चीजें रखी हुई है याक से रिलेटेड होगी कुछ भी, और छोटे मोटे सुवेनियर कुछ चाहिए तो आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो यार सेरा मोनेस्ट्री जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो दिखाने से पहले इसकी स्टोरी बताता हूँ, बहुत ही ज्यादा अलग है और बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसलिए मैं अपने गाइड के सामने बात भी नहीं कर सकता हूँ। वो बात यह है कि भाई जब 1950s में आप लोगों को मालूम होगा यहाँ तिब्बत में बहुत सारे मसले हुए दलाई लामा को लेकर, और बहुत सारा इशू वगैरह हुआ। दलाई लामा को 1950 में इंडिया में असाइलम लेना पड़ा, वहाँ जाना पड़ गया, वहाँ जाके रहना पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इशू हो रहे थे। तो यहाँ पर जो सेरा मोनेस्ट्री में जो सारे मॉन्क्स थे उन पर बहुत सारे अटैक हुए, बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन सेरा मोनेस्ट्री के जो मॉन्क सर्वाइव करे वो इंडिया आ गए थे, मैसूर में आ गए थे। इसलिए आप लोगों को मैसूर में ऐसी सेम सेरा मोनेस्ट्री देखने मिलेगी, जो कि भाई इससे ज्यादा वहाँ पर प्रेयर वगैरह होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा अंदर से दिखाता हूँ और प्रेयर वगैरह इनकी दिखाता हूँ। तो देखिए भाई सेरा मोनेस्ट्री में यहाँ पर प्रेयर नहीं चल रही है, यहाँ पर प्रेयर टाइमिंग नहीं है, इसलिए आप देख सकते हो बिल्कुल खाली सा है। सामने इनके बहुत सारे गॉड लगे हुए हैं, दलाई लामा 13 का फोटो लगा हुआ है, बुद्धा का फोटो लगा हुआ है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगी। और यहाँ पर पेंटिंग भी बहुत सारी अलग अलग देखने मिलेगी, और बहुत सारी पेंटिंग के ना मुंह ढके हुए हैं, क्योंकि ये बिलीव करते हैं पेंटिंग से पावर निकलती है, उसके लिए एक सर्टन भाई इनको पढ़ना पड़ता है और कुछ लेवल पे आना पड़ता है वो पेंटिंग देखने के लिए। तो भाई अगर कोई भी देख लेगा तो कुछ गलत पावर आ गई, कुछ ऐसा हो गया, ये थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, इसलिए बहुत सारी पेंटिंग देख सकते हो। उनके फेसेस कवर है, ये देखिए यहाँ पर भी, और भाई दरवाजा वगैरह देखिए कितना मस्त है, बड़ा सा एकदम पुराना सा। यहाँ भी प्रेयर चल रहा था, और हाथ में देख सकते हो ना वो डिजिटल काउंटर आता है ना, वो सबके हाथ में देखने मिलेगा। देखिए ऐसा प्रेयर होता है इनका, देखिए। तो और ये ऐसा प्रेयर तकरीबन ना भाई 500,000 कोई कोई बार 10,000 बार करता है, काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये लोग थक के बैठ गए हैं, और इनके पास काउंटर रहता है कि कितना हम कर रहे हैं, काउंट करना पड़ता है। देखिए वो लड़की कब से कर रही है यार, और काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहता है। तो यार अभी मैं आप लोगों को इस मोनेस्ट्री की सबसे ज़्यादा यूनिक और सबसे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ। आई एम श्योर आप में से ऑलमोस्ट सारे लोग ये चीज़ कभी नहीं देखे रहेंगे। ये देखिए ये है डिबेटिंग कोर्टयार्ड, और यहाँ पर आप लोगों को मॉन्क्स डिबेट करते हुए देखने मिलेंगे। ऐसा लगेगा कि भाई आपको ये लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए ये सारे मॉन्क जो देख रहे हैं ना ये डिबेट कर रहे हैं। देखिए यार जब मैं तिब्बत का फैक्ट पढ़ रहा था तब मुझे मालूम पड़ा कि भाई आपको कभी मॉन्क है झगड़ा करते हुए दिखे ना, बहस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, ये नहीं समझना कि वो झगड़ा कर रहे हैं, वो अपने रिलीजन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो देख रहे हो ना आप, देखिए देखिए ये जो खड़े होकर जोर से चिल्ला रहे हैं ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और नीचे जो बैठे है वो आंसर दे रहा है। इसका एक रूल है कि आप हाथ नहीं उठा सकते, या फिर आप गाली नहीं दे सकते, या फिर कुछ गलत नहीं बोल सकते, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, चाहे कितनी भी गर्म हो जाए, कितनी भी हीटेड हो जाए, लेकिन आप लोगों को गलत नहीं बोलना ना फिर हाथ उठाना है, तो ये कंट्रोल के लिए रहता है। और एक आदमी को भाई 20-20 साल लग जाते हैं कंट्रोल सीखने के लिए। ये देखिए बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अलग चीज़ देखने मिल रही है यार। ये देखिए ये खड़े होकर सवाल पूछ रहे, देखिए ये सवाल पूछ रहे, वो नीचे नीचे बैठे बैठे जवाब दे रहे। तो यार सही बता रहा हूँ, अपनी जिंदगी में मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं देखा, ऐसा लगेगा भाई झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन भाई ये रिलीजियस काम कर रहे हैं, ये आपस में डिबेट कर रहे हैं अपने रिलीजन के बारे में। तो यार मुझे सबसे गुस्से में मॉन्क ना ये वाले ही लग रहे हैं भाई, ये देखो बहुत गुस्से में है, ये देखो बहुत गुस्से में लग रहा है भाई ये। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक थिंग्स आई हैव सीन, इट्स वेरी यूनिक। वो देख रहे हो ना भाई ये पूरा उकसा रहा है उसको, एकदम मुंह पे आ रहा है, देखिए देखिए इसके एकदम मुंह पे आके चिल्ला रहा है ताकि थोड़ा सा गुस्सा हो जाए। ये देखिए
पूरा इन लोगों को ना पूरी मेहनत करना पड़ता है कि सामने वाले को गुस्सा दिलाए, लेकिन भाई यहाँ कंट्रोल करना पड़ता है। और जैसे कि आप लोगों को बताया था 20-20 साल लग जाता है एक एक आदमी को यहाँ पर कंट्रोल सीखने के लिए। आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कहीं कहीं पार्ट में ना मैं थोड़ा सा हाफ रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ का पहले तो अल्टीट्यूड भाई हम सी लेवल से 4 किलोमीटर ऊपर है, और भाई यहाँ पर ये एक्सट्रीम अल्टीट्यूड हो जाता है। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन चाहिए रहता है बाहर से, बहुत सारे यहाँ के लोग ऑक्सीजन लगा के घूम रहे हैं तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। और अल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में ये पढ़ाऊँ, ऐसा नहीं कि भाई कमजोर लोग को होता है या फिर ताकतवर को नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे चाइनीज लोग दिखेंगे जो बिना ऑक्सीजन के चल नहीं पा रहे, लेकिन मुझे तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। थोड़ा सा पहाड़ चढ़ रहे ना भाई, इतना स्टीप है, इतना चढ़ना पड़ता है तो थोड़ा सा इशू हो जाता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, बाकी तो सारी चीजें एकदम ठीक है। जो ऐसे कपड़े में लेडीज ना वो सारे कुछ ना भाई लहासा के बाहर के पार्ट से आते हैं और बहुत दूर दूर से आते हैं, जैसे कि आप लोगों को बताया जो भाई चल के आते हैं पैदल। भाई क्या बात है यार, आप सोच सकते हो ये 5-5 हज़ार किलोमीटर चलते हैं और रास्ते में बहुत सारे लोग की डेथ हो जाती है। हम सेरा मोनेस्ट्री से निकल गए और यहाँ पर एक यूनिक चीज देखने मिली है, ये ऊपर जो पार्ट देख रहे हो ना पहाड़ के, ये बहुत ज्यादा तकरीबन कई 100 मीटर ऊपर आप लोगों को देखने मिलेगी। ये भी सेरा मोनेस्ट्री का एक पार्ट है, यहाँ पर मेडिटेशन वगैरह करना है तो मोंग जो स्पेशल मोंग होते हैं वो वहां पर जाते हैं। यार काफी ज्यादा भाई चारों तरफ पहाड़ों से घिरी है जगह, लिटरली भाई चारों तरफ जहां देखिए सामने भी आप लोगों को पूरे पहाड़ देखने मिलेंगे, जहां से हम आए वो भी पूरे पहाड़ हैं और इस तरफ भी देखिए सारे कुछ पहाड़ है। जैसे कि आप लोगों को ज्यादा टाइम दिखा रहा था, यहाँ पर ऐसी लोकल मार्केट बनी हुई है और ज्यादातर फूड ना भाई यहाँ पर ऑलमोस्ट वेजिटेरियन आप लोगों को मिल जाएगा, फ्रेंच फ्राइज है और आलू से बनी हुई चीजें, ऐसा कुछ माहौल है यहाँ का। तो टूर जब हमारा खत्म हुआ तो हमारे टूर गाइड एक जगह पे लेके आए, क्योंकि आज हमारा है एक वेलकम डिनर, जो सारे भी जितने भी हम टूरिस्ट थे साथ में टूर गाइड के, तो आज हमको डिनर करवाएंगे अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन उससे पहले वो बस वहाँ खड़ी कर दी एक होटल पे और बोले आपको अगर घूमना है तो ये मार्केट घूम लो, तो हम आधा एक घंटा घूमे। ये मार्केट आप लोगों को पिछले वीडियो में दिखाया हम, इसलिए इस वीडियो में दिखाया नहीं। अब चलते हैं, टाइम हो गया, वो बोले 5:50 पे आना, 6 बजे हमारा डिनर होने वाला है साथ में, तो देखते हैं भाई डिनर में क्या होता है, सारा कैसा प्रोग्राम होता है। तो देखिए हम अब यहाँ पर आए हैं खाना खाने यार, जो हमारे गाइड की तरफ से, और रेस्टोरेंट देखिए यार कितना ज्यादा भाई ट्रेडिशनल और कितना ज्यादा तिब्बतीन स्टाइल का आप लोगों को देखने मिलेगा। कलर वगैरह देख सकते हो यार, येलो मेरा फेवरेट कलर है और येलो कलर ही आप लोगों को हर जगह देखने मिलेगा। खाना तो हम यहाँ पर खाने जाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को रूफ टॉप दिखाता हूँ जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ से ओल्ड टाउन का सारी झलक मिलती है, जो आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में ओल्ड टाउन दिखाया था, यहाँ से आप ऊपर जाओगे तो आप लोगों को काफी अच्छी झलक मिलेगी। तो देखते हैं यहाँ पर है कैसा। यार मैं आ गया हूँ यहाँ के रूफ टॉप पे और यहाँ से इतना मस्त नजारा दिख रहा है ना, सारे पहाड़ दिख रहे हैं और साथ ही साथ जैसे दिल्ली वगैरह में होता है, मुंबई वगैरह में होता है, यहाँ से एक दूसरे के घर दिखते हैं। देखिए यहाँ से आराम से एक दूसरे के घर और एक दूसरे की भाई यहाँ से टेरिस देख सकते हो, जैसे होता है ना हमारे यहाँ भी एक टेरिस से दूसरे टेरिस देखते हैं, बातचीत करते हैं सुबह सुबह नाश्ता ब्रश करते करते। देखिए एक दूसरे की टेरिस देखिए कितनी पास पास है यहाँ पर, और व्यू तो आप लोग देख सकते हो यार कितना ज्यादा, पूरा चारों तरफ आपको बहुत ही खूबसूरत से पहाड़ देखने मिलेंगे और यार सारे लोकल तिब्बतीन घर देख सकते हो जो कि कितने ज्यादा सही लग रहे हैं यार, कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी लगभग शाम हो गई है, लेकिन फिर भी भाई यहाँ पर धूप बहुत ज्यादा रहती है, जैसे कि आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था इसको सनशाइन सिटी बोलते हैं, तो यार धूप यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने मिलेगी। और अभी जब कुछ दिन में बर्फ गिरने लग जाएगी ना भाई, पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाएगा, पूरा व्हाइट हो जाएगा और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। लेकिन यार नजारा देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पर आराम से पूरा शाम तक बैठो, बहुत ही खूबसूरत है। और ये देख सकते हो आप, हर घर में आप लोगों को ऐसे फ्लैग देखने मिलेंगे, तो ये फ्लैग के बारे में आप लोगों को मैं बता रहा था, ये फ्लैग वहां पर लगाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा हवा चलती है, तो तिब्बत में इसको कुछ और, तिब्बती लैंग्वेज में तो कुछ और बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं विंड हॉर्स, और ये उसी जगह लगाते हैं जहां पर ज्यादा हवा चलती है, तो इसका मीनिंग रहता है कुछ ह्यूमन और अर्थ नेचर ऐसा कुछ इसका वो मीनिंग रहता है। 5 कलर के आपको फ्लैग देखने मिलेंगे हर जगह। यार चलते हैं अब नीचे और करते हैं भाई डिनर। और यार अगर ये टूर ग्रुप के बारे में बात करूं ना, बहुत ही सही लोग हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है लोगों के साथ में। अभी तो कुछ और दिन साथ में ट्रैवल करने वाले, लेकिन लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। सारे लोग चालू हो गए खाना पीना, तो चलिए मैं भी चलता हूँ भाई, खाता हूँ देखते हैं क्या क्या है। तो अगर खाने की बात करूँ तो यार यहाँ पर बहुत ज्यादा वैरायटी मिल जाएगी और इसमें बहुत सारे इंडियन खाने भी हैं। देखिए यहाँ पर आपको दाल मिल जाएगी, यहाँ पर चावल, यहाँ पर रोटी, अपना काम तो बन गया भाई। और यहाँ पर देख सकते हो कुछ है, ये है पालक और ये है आलू की भाजी, और ये देखिए यहाँ पर है, ये क्या है, वेज करी, और यहाँ पर देखिए सारे नॉन वेज रखा हुआ है, याक करी है, चिकन चिल्ली है, वेज सलाद है। तो अपना तो काम बन गया भाई, यहाँ पर चावल रोटी दाल भाजी मिल गई, यहाँ पर तो अच्छा खासा डिनर हो जाएगा, मजा आ जाएगी। तो गाइड को भाई थैंक यू बोलना पड़ेगा इसके लिए। हेलो एवरीवन, तो स्वागत करता हूँ आप लोगों का मेरे तिब्बत के टूर के तीसरे दिन का, टूर के साथ मेरा दूसरा दिन है और वैसे मेरा तिब्बत में तीसरा दिन है। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले भाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई मॉन्यूमेंट जो यहाँ पर तिब्बत में है और सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ये जरूर देख रहेंगे। ये जगह का नाम है पटोला पैलेस। ये रेसिडेंस हुआ करता था दलाई लामा 5th से लेके दलाई लामा 14, जो हमारे अभी इंडिया में, वो सारी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बताना है, बहुत सारी चीज़ें दिखाना है। तो चलते हैं, हम एंटर करते हैं पटोला पैलेस में। देखिए बाहर सारा कुछ ऐसा नज़ारा है और टूरिस्ट देख सकते हो बहुत ज़्यादा है, तो जल्दी जल्दी हम अंदर चलते हैं और आपको अंदर से सारे कुछ दिखाता हूँ। और देख सकते हो हम पटोला पैलेस में एंटर हो गए और यार आने के लिए तकरीबन आधा घंटा लंबी लाइन थी, इसलिए हम सुबह सुबह जल्दी निकल गए।
गए थे। और यार ये देखिए इतना ज्यादा मैसिव है, इतना ज्यादा बड़ा है भाई, आपको ऐसा देख के समझ भी नहीं आएगा, लेकिन ये पोटाला पैलेस है 1200 रूम से ज्यादा है। जो आप लोगों को मैं द्रिपुंग मॉनेस्ट्री में दिखाया था वहां पर दलाई लामा 1 से लेके 4 तक रहते थे, और 5th से लेके जो 14 तक थे वो यहाँ पर रहते थे। तबीयत थोड़ी सी मेरी खराब है और हमको भाई बहुत ज्यादा चल के ऊपर जाना है, पूरा 13 माले तक ऊपर जाना है। ये 13-14 माले की है तो हमको पूरा ऊपर तक चल के जाना है, पूरा घूम घूम के। तो यार थोड़ा सा मेहनत लगेगी लेकिन मजा आएगी। तो यार ऊपर चढ़ना हम स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ भी देखिए भाई चाइनीज यहाँ के लिए लोकल टूरिस्ट है वो भी बहुत सारे आते हैं। और यहाँ देखिए तिब्बतन नूडल पेस्ट्री स्वीट टी, यहाँ पर इतना खूबसूरत सा भाई रेस्टोरेंट आप लोगों को देखने मिलेगा। ये देखिए इतना ट्रेडिशनल और कितना सही लग रहा है। हम तो अभी जा रहे हैं ऊपर, ऊपर से घूम घाम के आते हैं फिर देखेंगे भाई, ऐसे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट मिलने वाले हैं। तो यार हमारी चढ़ाई चालू है पोटाला पैलेस पे भाई, सही बता रहा हूँ हालत ख़राब हो गई। और लोग देखिए भाई ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन व्यू यहाँ से जो है ना यार बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। हम पूरा पटोला पैलेस एकदम अच्छे से घूम के आए, लेकिन भाई 3 या 4 माले के बाद से रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ना फोटो ले सकते हो ना वीडियो ले सकते हो, बहुत सारी चीजें जाने, बहुत सारी चीजें बुद्धिज्म के बारे में जाने। और यार मैं भी आप लोगों को एक बहुत ही ज्यादा एक अलग चीज के बारे में बताता हूँ, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ये चीज के बारे में तो जानते ही नहीं रहेंगे। तो यार यहाँ पर एक रिचुअल होता है, जब लोग मरते हैं तो इनका बरियल का स्टाइल होता है, जो दफनाने का स्टाइल होता है, जो मरने के बाद से सारा प्रोसेस होता है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यूनिक है, आई एम श्योर दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं होता है। तो यार यहाँ होता कैसा है, जो लोग मरते हैं तो जैसे हिंदी में बोलते हैं क्रियाक्रम, क्रियाक्रम करने का ना भाई यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं। अगर 6 साल से छोटा बच्चा रहता है तो उसको दफनाते हैं, जो कि नॉर्मल है, और कोई बीमारी से मरता है तो उसको जलाते हैं। ये सारी चीज समझ सकते हो ये नॉर्मल है, ये हम देखें। लेकिन इसके बाद जो दो अलग तरीके आते हैं ना भाई वो बहुत ज्यादा अलग है, जिसको आप बोल सकते हो कुछ कुछ सिमिलर है पारसी जैसा, लेकिन उससे भी एक्सट्रीम और उससे भी काफी ज्यादा अलग है, वो है इनका स्काई बरियल। तो ये क्या करते हैं, जब इनका कोई मरता है तो देखिए यहाँ जितने भी बड़े बड़े पहाड़ देख रहे हो उसके ऊपर लेके जाते हैं, और एक आदमी है जिसको ये लोग बोलते हैं बहुत पावरफुल आदमी रहता है, उसको वो बोटी बोटी करता है, अंदर का सारा पार्ट निकालता है और उसको सब पीस पीस करता है, और उसको फिर यहाँ के वो वल्चर होते हैं, स्कैवेंजर होते हैं, उन लोगों को खिला देता है। और साथ ही साथ जो वल्चर वगैरह खाते हैं उनके खाने के तरीके से ये लोग बताते हैं कि भाई ये आदमी सही था कि खराब था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वल्चर लोग खाते ही नहीं, उसको छोड़ देते हैं, तब मालूम पड़ता है कि भाई ये आदमी सही नहीं था, ये कुछ गलत काम किया था। और उसके बाद भाई जो चौथा है, जो इनका तरीका है, वो है भाई वाटर बरियल। वो क्या करते हैं, पीस पीस करके ना मछली को खिला देते हैं, पानी में डाल देते हैं। तो यार ऐसी यूनिक चीज़ तो मैंने देखा। और देखिए ये सब कुछ पहाड़ देख रहे हो, इसमें ऊपर लेके जाते हैं, आप लोगों को बहुत सारी चिड़िया, बड़ी बड़ी वल्चर वगैरह देखने मिलेंगे। तो ऐसी यूनिक यूनिक अलग अलग चीज़ें आप लोगों को देखने मिलेगी। यार जो डेड बॉडी को वल्चर को खिलाते हैं वो तो भाई पारसी में भी होता है, और उसको बोलते हैं टावर ऑफ साइलेंस, वो मुंबई में भी है, मलाबार हिल में भी है। लेकिन उसमें क्या करते हैं, वो हाथ बांध के छोड़ देते हैं, वल्चर आके खाता है, और जो स्कल हड्डी बसती है वो नीचे जो गोल सा रहता है उसमें आके हड्डी गिर जाती है, और फिर वो अपने आप डिकम्पोज हो जाता है, अपने आप वो पड़े रहता है। लेकिन यहाँ का जैसे बताया, यहाँ का सिस्टम बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ पर भाई पूरा इंटरनल ऑर्गन निकालेगा, स्पेसिफिक एक आदमी रहता है जिसको बहुत ताकतवर बोलते हैं, वो आदमी पूरा इंटरनल ऑर्गन निकाल देगा, फिर उसके बाद उसको पीस पीस करेगा, फिर उसके बाद वल्चर को खिलाएगा। और यहाँ के जो लोग होते हैं ना भाई, उनकी इच्छा होती है कि भाई हमको स्काई बरियल चाहिए, हमारी बॉडी को वेस्ट मत कर देना, दफना देना, जला देना, ऐसा नहीं करना, हमारी बॉडी को यूटिलाइज करना भाई, और पहाड़ पे भाई वल्चर और जितने भी स्कैवेंजर होते हैं उन लोगों को खिला देना। और उसके बाद एक और नया अभी चालू हुआ है जिसको बोलते हैं वाटर बरियल, जो आप लोगों को मैं बताया। वाटर बरियल क्यों करते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर अभी इतने सारे वो वल्चर बचे हुए नहीं है, तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ से दूर पे एक नदी है वहाँ पर भाई सेम प्रोसेस करते हैं। यहाँ का जो तरीका है मुर्दों को मतलब अंतिम संस्कार करने का, हर जगह ना भाई काफ़ी अलग अलग होता है। तो अब हम निकल गए भाई पटोला पैलेस से, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक जगह है, बहुत सारी चीज़ें देखे, लेकिन रिकॉर्डिंग पता नहीं क्यों अलाउड नहीं थी। यूट्यूब पर भाई 4K में आप देख सकते हो पटोला पैलेस, लेकिन भाई रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी क्या पता। और धीरे धीरे करके देख सकते हो हम नीचे उतर रहे हैं, और पहाड़ देखिए भाई चारों तरफ से आप लोगों को पहाड़ देखने मिलेंगे, और यही है भाई यहाँ पर सारा स्काई बरियल होता है, जैसा टावर ऑफ साइलेंस है हमारे इंडिया में फारसी लोग करते हैं। तो देखिए हम पटोला पैलेस से अभी नीचे उतरे हैं, और देखिए भाई ऐसे लोग ना भाई ये ऐसा प्रेयर करते हैं, और कितनी दूर दूर से आते हैं। और ये भाई को देखिए भाई, ये भाई की एक ही टांग है, और ये प्रेयर कर रहे हैं। तो यार ये देखिए हमारी बस पटोला पैलेस का तो हमारा टूर हो गया, और देखिए बस में आप लोगों को ना ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर देखने मिलेंगे, एमरजेंसी किसी को ज़रूरत लगी ताकि यूज़ हो जाए। यार आप लोगों ने देखा था मैं इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, फिर उसके बाद हमको एक दो जगह और जाना था मॉनेस्ट्री विजिट करने, लेकिन इतना ज़्यादा सर दुखने लगा, इतनी ज़्यादा कमजोरी आने लगी ना कि भाई पहले तो मुझे सुबह से मुझे आज जाने का मन ही नहीं कर रहा था कि भाई कि नहीं जाता हूं, लेकिन फिर ऐसा दिमाग में था कि यार अकेले मैं खुद से जा नहीं सकता हूं, पटोला पैलेस और सबसे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन था, तो मैं बोला नहीं भाई चले जाता हूं, जो भी रहेगा थोड़ा सा
कम वीडियो बनाएंगे या फिर थोड़ा सा कम अपना आराम से एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन पूरा वो चढ़ के उतरने में ऐसी हालत खराब हो गई। मतलब यहाँ सबसे मेन चीज क्या हो रही है कि यहाँ ना भाई सोने नहीं हो रहा है, एक से डेढ़ घंटे बाद ना झटके से आंख खुलती है और उठ के बैठ जाना पड़ता है भाई। मतलब सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी ऐसे फिजिकल सिम्टम्स तो अभी तक एल्टीट्यूड सिकनेस के आए नहीं थे, लेकिन ये आज जो है इतना ज्यादा बुखार, इतना ज्यादा सर दर्द अभी लग रहा है ना। आज मेरा लासा में लास्ट दिन था, इसके बाद हम कल जा रहे थे सिगास्ते नाम की एक सिटी है, फिर वहां से हम जा रहे थे एवरेस्ट बेस कैंप, फिर वहां से हम जा रहे थे गिरोंग नाम का एक नेपाल और चाइना का बॉर्डर है वहां, फिर वहां से काठमांडू। तो ये मेरा ये 8 से 9 दिन का टूर था, लेकिन मैं उनको मैसेज करके बोला हूँ कि भाई मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, अगर मान जाए तो अच्छी बात है, और अगर ये एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से प्रॉब्लम हुई और ज्यादा तो मैं कल फ्लाइट लेके यहाँ से निकल जाऊंगा भाई, बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। तो फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों का चोंगजिंग से। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये 3 दिन बाद बना रहा हूँ, जो आप लोगों ने लास्ट क्लिप देखा था तिब्बत से के बाद, ये 3 दिन बाद का वीडियो है। मत पूछो यार क्या हाल हुआ था, कैसी सिचुएशन हुई थी। आप लोगों ने देखा पहले के 1-2 दिन ना भाई एकदम प्रॉपर गुजरे, लेकिन जो भाई तीसरा दिन जो था ना भाई वो इतना ज्यादा एक्सट्रीम, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता जो हाल हो गया था मेरा। इतना सर दर्द, इतना प्रॉब्लम, रात भर सो नहीं पाया, बार बार 1 घंटे बाद नींद खुल जा रही है भाई ऑक्सीजन कम होने की वजह से, क्योंकि यार इतनी हाई एल्टीट्यूड पे आप जमीन से 4 किलोमीटर ऊपर रहोगे और साथ ही साथ भाई वहाँ पे हवा पतली हो जाती है, खून पतला हो जाता है भाई, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और साथ ही साथ भाई बुखार हो गया था मुझे, सर्दी हो गई थी, फास्ट हार्ट बीट हो रही थी ना, कि मोला भाई क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और जैसे कि बताया भाई उठने नहीं होता। लेकिन यार वो दिन टूर था सबसे मेन पटोला पैलेस का, और वो मैं मिस नहीं कर सकता था यार। ऐसी सिचुएशन हो गई थी, मतलब क्या करूं यार, मतलब एक दिन का तकरीबन समझ सकते हो ना भाई 15,000-15,000 रुपए इंडिया का एक दिन का टूर का पैकेज का होता, लेकिन भाई वो पैसा छोड़ के ना ये था कि ये पटोला पैलेस वापस विजिट नहीं कर पाएंगे, वापस आना पड़ेगा, बाकी वापस इतना प्रोसेस करना पड़ेगा, इतनी डिफिकल्टी वापस उठाना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ करके तो जाना पड़ेगा। कैसे कैसे करके यार मैं बोला निकल जाता हूँ, अब चले जाता हूँ। ऐसे हाल में मैं गया ना भाई मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, अगर आपको एक्सट्रीम जगह घूमना तो एक्सट्रीम ये सब तो करना ही पड़ेगा। एक अच्छी बात ये हुई कि भाई टूर वाले ना मान गए कि भाई हाँ तबीयत खराब है, तो इसलिए वो भाई कैंसिल कर दिए। और ये 8 दिन का मेरा टूर था 1,05,000+ रुपए का था, बहुत महंगा है भाई तिब्बत में ट्रैवल करना, बहुत महंगा, 1,05,000+ का था, तो वो कैंसिल करके भाई 3 से 4 दिन का कर दिए। और उसका मुझे तकरीबन 53,000-54,000 भरा हूँ मैं, जो कि बोला भाई जाने दो यार अभी वापस तिब्बत आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, अभी हाल जरा भी नहीं है कि भाई हम यहाँ रुक पाऊंगा, तो बोला भाई यहाँ से निकलना पड़ेगा। फ्लाइट देखा मेरा भाई कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ निकलूँ, तो चोंगजिंग की फ्लाइट देखी मुझे, और चोंगजिंग के बारे में मालूम था भाई हॉस्टल वगैरह है यहाँ पर, कहाँ आना है क्या जाना है, तो मेरा सबसे ईजी और सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, चोंगजिंग आ गया मैं यहाँ पर। और 3 दिन थोड़ा आराम किया, अब तबीयत भाई बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, एकदम फर्स्ट क्लास हो गई है। तो अब सोच रहा हूँ कि भाई थोड़ा तिब्बत ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए, लेकिन फिर भी आप लोगों को जो मैं वीडियो बनाया हूँ ना यार बहुत ही डिटेल में बनाया हूँ, शायद ही वैसा वीडियो आप लोगों को कभी देखने मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से और बहुत ही डिटेल हिस्ट्री कल्चर सब दिखाया हूँ तिब्बत का, वही 2 से 3 वीडियो जो बनाया हूँ। तो बाद में कभी हुआ तो तिब्बत के उस दूसरे पार्ट में भी हम जाएंगे, तो क्या कर सकते हैं यार। तो अभी वापस आ गए अभी चाइना के इस वाले पार्ट में, अब यहाँ देखते हैं भाई, मेरे पास 7-8 दिन है, 9 दिन है अभी वीजा का, तो चाइना के दूसरे कोई रीजन में ट्रेवल करेंगे। अभी मैं यहाँ पर 1 दिन और हूँ, उसके बाद मैं जेंग जियाजी जाऊँगा, अवतार माउंटेन वगैरह, फिर उसके बाद हम यूनान जाएंगे, फिर गुआंगझाऊ जाएंगे, तो थोड़ा हम लोग चाइना में और विजिट करने वाले। तो अभी तो भाई हालत काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गई है, होप आप लोगों को ना भाई ये मेरा जो इतना एफर्ट है वो पसंद आया होगा और वीडियो अच्छे लग रहे रहेंगे। तो ये जो है ना भाई ये ट्रैवलर का नाइटमेयर होता है कि भाई घूमते टाइम बीमार होना, वो भी इतनी रिमोट जगह में ना कि आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई, वहाँ ना कोई मदद है ना कुछ वो है ना कोई जबान समझता है, और साथ ही साथ भाई अगर एक दिन ना बीमार होगा तो आपको टूर छोड़ना पड़ेगा, तो ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो भी है ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है। तो अब ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और अब आप लोगों को थोड़े से और चाइना के वीडियो देखने मिलेंगे, होप आप लोगों को ये सारा कुछ मेरा जो सारा की जो मेहनत है उसको अप्रिशिएट करेंगे, और होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा रहेगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ऐसी अच्छी वीडियो के साथ मिलते रहूँगा।